वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताते चले कि नोएडा में एक न्यूज एंकर को आज स्थानीय पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उन पर राहुल गांधी के बयान को गलत संदर्भ में टीवी पर प्रसारित करने का आरोप है। इस मसले पर एंकर अपनी गलती मानते हुए पहले ही माफी मांग चुके हैं। एंकर ने वायनाड के मसले पर दिए गए राहुल गांधी के बयान को उदयपुर में हुई टेलर की हत्या से जुड़ा बताया था। इस पर विवाद के बाद उनके खिलाफ कई जगहों पर शिकायत दर्ज हुई। वहीं बीते सोमवार सुबह छत्तीसगढ़ की पुलिस एंकर को अरेस्ट करने गाजियाबाद में उनके घर पर पहुंची हुई थी। इस पर एंकर ने यूपी पुलिस से मदद भी मांग ली, फिर नोएडा पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और एंकर को हिरासत में लेकर अपने साथ चली गई। बताया जा रहा है कि इस दौरान यूपी पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस की आपस में काफी नोकझोंक भी हुई। माना जा रहा है कि यूपी पुलिस ने एंकर को इसलिए हिरासत में लिया है ताकि छत्तीसगढ़ पुलिस उन्हें अरेस्ट ना कर पाए। आपको बताते चले कि एंकर ने अपने शो में राहुल गांधी की एक वीडियो क्लिप चलाई थी। राहुल गांधी ने जो बयान वायनाड केरल में उनके दफ्तर पर हमला करने वालों के लिए दिया था, उनको उदयपुर में टेलर के हत्यारों के लिए दिया गया बताया था। राहुल ने बताया था कि हमला करने वाले बच्चे हैं, उनको माफ करना चाहिए।